नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एशियन माधव है। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि रानू मंडल इस उम्र में भी कैसे इतना सुरीली गा लेती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनके बारे में जो रोचक जानकारी उसे हम जान लेते हैं। तेरी मेरी कहानी को हिमेश रेशमिया के साथ रिकॉर्ड करने के बाद इंटरनेट सनसनी रानू मंडल ने गीतकार के साथ अपना दूसरा गाना आदत दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर एक प्यार का नगमा है इस गाने को इस महीने वायरल होने के बाद रानू मंडल को रातों रात स्टार बना दिया। 26 वर्षीय इंजीनियर अतीन्द्र चक्रवर्ती भी रानू मंडल के सफलता में जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने सबसे पहला पोस्ट रानू मंडल जी का फेसबुक पर किया था। अतीन्द्र अक्सर रानू के बारे में पोस्ट अपडेट किया करते थे और हिमेश के साथ में दूसरे रिकॉर्डिंग का पोस्ट भी किया करते हैं। ऑनलाइन पोस्ट करने के कुछ मिनटों बाद इसे बहुत सारे लाइक मिले और इसे बार बार शेयर भी किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में रानू ने हिमेश के लिए मुंबई में तेरी मेरी कहानी यह गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। शुरुआत में रानू अक्सर रानाघाट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए गाना गाती थी और अतीन्द्र ने उसे रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए सुना और उसकी आवाज में एक प्यार का नगमा है ये गाना रिकॉर्ड किया और इसके तुरंत बाद ही अतीन्द्र ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया और अब इसके बाद बाकी इतिहास। वास्तव में रानू मंडल को भी एक रियलिटी शो से कॉल आया था और रानू मंडल का जन्म कृष्णानगर नादिया में हुआ था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना बचपन रानदा अपनी चाची के यहाँ बिताया था। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रानू मंडल कैसे गाती है इतनी सुरीली आवाज में गाना, क्या है उनकी सुरीली आवाज का राज। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तो वो हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाती है। दोस्तों, ठीक उसी तरह यह बात रानू मंडल के साथ हुई। तो आप सोचते होंगे कि ऐसी क्या बात हुई। तो दोस्तों, रानू मंडल जब स्टेशन पर कई सालों से गाना गाती थी तो उनका यह गाना गाना भी उनके लिए एक रियाज ही था, मतलब इसे हम प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रैक्टिस की वजह से रानू मंडल इस उम्र में भी इतना सुरीला गा पाती। तो दोस्तों, यही रानू मंडल जी के सुरीले आवाज का राज था। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।